अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन इंग्लिश विद मारुक। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर दैट इज अबाउट अ शॉर्ट ओवरव्यू अबाउट कैन द सबाल्टर्न स्पीक बाय गायत्री स्पिविक, अ फेमस डीकंस्ट्रक्शनिस्ट फेमिनिस्ट क्रिटिक भी हैं ये, ठीक है। और ये इंडिया से बिलोंग करती हैं और इनका ये बहुत फेमस वर्क है जिसमें वो राइट्स के बारे में बात करती हैं जो कि सबाल्टर्न्स हैं। और इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके देखेंगे। मुझसे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आप, और कहा भी था कि आप इसके बारे में वीडियो बना दें, लेकिन अब टाइम थोड़ा शॉर्ट है, कम टाइम है, हमारा एग्जाम आज ही है, मेरा भी आपके साथ ही है, तो बस हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ जो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कैन द सबाल्टर्न स्पीक मेजर वर्क है इनका, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओके, तो मैंने बस पॉइंट्स के नाम यहाँ पर मैंशन किए हैं जो आप ऐड कर सकते हैं अपने पेपर में, ठीक है। उसको लेंथी करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात करती है हु इज सबाल्टर्न, वो इस बुक में बताती है। शायद मेरी सीक्वेंस थोड़ी चेंज हो जाए लेकिन ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो इस बुक में वो डिस्कस करती है, ठीक है। हु इज सबाल्टर्न, वो कहती है सबाल्टर्न कौन है इसके बारे में बताती है। तो कौन सबाल्टर्न है? ऑल द पीपल हु बिलोंग टू लोअर क्लास पीपल, वर्किंग क्लास सोसाइटी, पीपल हु आर अनसिविलाइज्ड, पीपल हु आर रिलेटेड टू थर्ड स्पेस, और पीपल फ्रॉम द अंडर डिवेल्प्ड कंट्रीज, ठीक है। वो सारे लोग जो काम करते हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनको कोई राइट नहीं है, जो अपने हु कांट स्पीक फॉर देयर राइट्स, ठीक है, जो नहीं बोल सकते अपने लिए, उन सबको वो सबाल्टर्न कहती है। ब्लैक पीपल, अनसिविलाइज्ड पीपल, सेवेज, ठीक है, इरेशनल पीपल, वो सब सबाल्टर्न हैं, ठीक है। और सती प्रैक्टिस को वो इसमें डिस्कस करती है कि किस तरह से जो इंडिया में थी वो सती प्रैक्टिस थी कि, और ये एक फेमिनिस्ट क्रिटिक भी है ना, तो ये औरतों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करती है अपने वर्क्स में। सती प्रैक्टिस में किस तरह जो फीमेल हैं उनको क्या किया जाता था, सप्रेस किया जाता था उनको, दे ऑल्सो बर्न्ड विद द डेड बॉडी ऑफ देयर हस्बैंड, ठीक है। ये एक रस्म है इंडिया में कि उनको भी जला दिया जाता था, तो वो इसको ख़त्म करना चाहती है। वो क्रिटिसाइज़ करती है गाइल्स डेल्यूज़ और मिशेल फोको को, क्योंकि वो कहती है इनके साथ वो एग्री भी करती है, इनके कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, सब कॉन्सेप्ट के साथ एग्री करती है, पावर स्ट्रक्चर के साथ, किस तरह से जो ओरिएंट हैं, जो वेस्ट हैं, उन्होंने अपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सोसाइटी में, क्लासेस की वजह से लोअर क्लास पीपल सबाल्टर्न को सप्रेस किया जाता है, वो इनके कॉन्सेप्ट के साथ एग्री करती है। लेकिन वो क्रिटिसाइज इसलिए करती है कि ये बस वेस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते सबाल्टर्न को, उनकी बेटर लाइफ के लिए या उनकी फ्रीडम के लिए कोई सोल्यूशन नहीं देते, ठीक है। और वो सती प्रैक्टिस में आपको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के साथ बताती हूँ, वो कहती है कि जो फीमेल है उनको तीन तरह से सोसाइटी में सप्रेस किया जाता है, वो डबली कॉलोनाइज्ड है। डबली कॉलोनाइज का मतलब ये नहीं कि बस दो तरह से, बल्कि वो तीन चार तरह से, डबली कॉलोनाइज कॉन्सेप्ट का नाम है। लेकिन वो कहती है कि फीमेल को एज अ ब्लैक, एज अ फीमेल, एज अ कॉलोनाइजर, ठीक है, इसको सप्रेस किया जाता है एज अ ब्लैक और एज अ फीमेल जेंडर की वजह से अपनी सोसाइटी के, उसको मेल, ब्राउन मेल उनको सप्रेस करते हैं और क्या करते हैं, जो कॉलोनियलिज्म भी वो फेस करती हैं, ठीक है। तो तीन तरह से उनको सप्रेस किया जाता है। और जिस तरह वो कोटेशन भी अपने वर्क में कहती है, वाइट मैन सेव ब्राउन वुमेन फ्रॉम ब्राउन मैन, क्योंकि इंडिया ने आके सती की जो प्रैक्टिस है वो ख़त्म कर दी थी। कहाँ से? ब्रिटिशर्स ने आके इंडिया से सती की प्रैक्टिस को ख़त्म किया था जब उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई इंडिया पे। तो इस तरह से क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हमने आके, वाइट पीपल ने आके बचाया है विमेन को ब्राउन मैन के ऑप्रेशन से, ठीक है। तो वो इसको क्रिटिसाइज़ करती है कि ऐसा नहीं है, वो भी बचा सकते थे, लेकिन क्या है कि जो सबाल्टर्न जो पुअर क्लास पीपल हैं हु हैव लव फॉर देयर वाइव्स बट दे कांट हैव द राइट टू स्पीक, ठीक है, उनके पास बोलने का राइट ही नहीं था, तो वो कैसे बचाते हैं अपनी फीमेल को। कुछ मेल्स भी ऐसे थे जो सप्रेस कर रहे थे, ब्राउन मैन भी सप्रेस कर रहे थे फीमेल को, लेकिन ज़्यादातर नहीं, ठीक है, वो बोलना चाहते थे बट दे डोंट हैव द राइट्स टू स्पीक, ठीक है। उसके बाद एंटोनियो ग्राम्स्की जो है वो बता दिया कि इसी ने टर्म दी है कैन सबाल्टर्न की, और इसी के अकॉर्डिंग सबाल्टर्न को वो डिफाइन करती है कैन द सबाल्टर्न स्पीक, क्या वो बोल सकते हैं अपने बुक में। उसके बाद वो डेरिडा के कॉन्सेप्ट को, वो एक डीकंस्ट्रक्शनिस्ट भी है, ठीक है, और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कस करती है। किस तरह से वो कहती है वी हैव टू री राइट द टेक्स्ट और एवरी रिटन टेक्स्ट रिटन बाय कॉलोनियल पावर्स अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल, ठीक है, कि हमें हर टेक्स्ट को रीरीड करना चाहिए, रीराइट करना चाहिए, उसके हर पॉइंट को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए ताकि हम देख सकें उसको किसके पर्सपेक्टिव से, मार्जिनलाइज्ड और सबाल्टर्न के पर्सपेक्टिव से, कि उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उनके कल्चर को मिस रिप्रेजेंट करके वर्ल्ड में किस तरह से उनको और ज़्यादा, यानी कि कम उनको वीक किया जा रहा है उनकी पावर को, ठीक है। उसके बाद है मार्क्सिज्म, वो एक मार्क्सिस्ट भी है, क्योंकि वो बताती है कि मार्क्सिज्म भी एक तरह से टूल है जो
वाइट पीपल यूज़ करते हैं लोगों को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि मार्क्सिज्म क्या है, मार्क्सिज्म भी हमें यही बताता है क्लास सिस्टम के बारे में, लोअर क्लास, एलीट क्लास, प्रोलिटेरियंस, ठीक है, प्रोलिटेरियंस भी वो कहती है, सबाल्टर्न लोग जो हैं वो प्रोलिटेरियंस हैं, यानी कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनको एलीट क्लास सप्रेस करती है, और ये मार्क्सिज्म इस तरह का सिस्टम लेके आया था, वरना पहले ऐसा नहीं था। स्पीक फॉर अदर्स एंड सबाल्टर्न, वो स्पीक, वो बोलती हैं उनके लिए जो नहीं बोल सकते अपने लिए, ठीक है। शी वॉन्ट टू स्पीक, शी वॉन्ट टू स्पीक फॉर द राइट्स, और शी वॉन्ट टू अवॉइड दैम और सेव दैम फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ वाइट पीपल। फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव का मैंने आपको बता दिया कि फीमेल को किस तरह सप्रेस किया जा रहा है। सती प्रैक्टिस वो भी फीमेल से रिलेटेड है, वो कहती है कि फीमेल को भी राइट होना चाहिए। वो कहती है कि कॉलोनियल पावर में जिस तरह से मेल को सप्रेस किया जा रहा है ना, उसी सेम सोसाइटी में फीमेल को एक एक सेपरेट वे से, यानी कि मेल से भी ज़्यादा बुरे तरीके से कॉलोनलाइज जो लोग हैं वो सप्रेस करते हैं, क्योंकि एक तो वो फीमेल हैं, ब्लैक भी हैं और कॉलोनाइज्ड भी हैं, उनके सर्वेंट्स भी हैं, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज एपिस्टेमिक वायलेंस। एपिस्टेमिक वायलेंस क्या है, इसका मतलब है नॉलेज और वायलेंस, वो वायलेंस जो नॉलेज के थ्रू क्रिएट किया जाता है, यानी कि वो अपने अपने सब्जेक्ट में, अपने लिटरेचर में हमें इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि जो ब्राउन पीपल हैं वो बारबेरियंस हैं, वो इलिटरेट हैं, वो इरेशनल हैं, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है अपनी लाइफ का। तो वो नॉलेज के थ्रू जो वायलेंस क्रिएट किया जाता है ना, उसे एपिस्टेमिक वायलेंस कहते हैं। उसके बाद सोशलाइज, जैसे अब उसने कहा कि हमने आगे बचाया है औरतों को, ठीक है, सती की प्रैक्टिस हमने ख़त्म की, तो हमने बचाया है इनको किससे, ब्राउन मैन से। तो ये एक उन्होंने लिख दिया अपने वर्क्स में। तो एक ये एपिस्टेमिक वायलेंस है जो फीमेल को, जो अब हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं कि हम फेमिनिज्म के बारे में कहते हैं, हमें राइट्स मिल भी रहे होते हैं, फिर भी हम कहते हैं नहीं, जो वाइट पीपल हैं उनकी फीमेल ज़्यादा फ्रीडम है उनके पास, हमारे पास नहीं है। तो ये गलत बात है, ठीक है। ये बुक्स में जो होता है वो एक कंस्ट्रक्टेड ट्रूथ होता है, ये इससे भी रिलेट करता है कि वो ट्रूथ जो वो अपनी राइटिंग में लिख देती हैं कि इंडियंस आर बारबेरियंस, उन्होंने ऐसे लिखा ना कि जो ब्राउन पीपल हैं उनको कोई समझ नहीं है, दे कांट सर्वाइव बाय देयर ओन, दे हैव टू बी रूल्ड, ठीक है। तो सॉरी, तो वो कहती है कि जो एपिस्टेमिक वायलेंस है उसके थ्रू ट्रूथ कंस्ट्रक्शन किया जाता है और मार्जिनलाइज पीपल को और ज़्यादा सप्रेस किया जाता है। सोशलाइज्ड कैपिटल क्या है, इसमें वो बताते हैं कि अगर हम एक चांस दें किनको, मार्जिनलाइज पीपल को, तो वो भी जान सकते हैं, अगर वो सोशलाइज हो जाएं, ठीक है, तो वो अपने बारे में जान सकते हैं, अपनी कंडीशन के बारे में, और किस तरह हमें सप्रेस किया जा रहा है, अगर उनको कॉन्शियस आ जाए, कॉन्शियसनेस अबाउट सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ प्राइड, कि हमें वाइट पीपल किस तरह से सप्रेस कर रहे हैं, हमारी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सोसाइटी को। तो इस तरह से वो इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, इनको सोशलाइज नहीं होने देते, यूनिटी नहीं, सॉलिडारिटी नहीं आने देते ब्राउन पीपल में, ठीक है, वो उनको सेपरेट रखते हैं वर्क में, एक दूसरे के खिलाफ, अपने वर्क्स में उनको एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो सोशलाइज्ड कैपिटल उनको बनने ही देते कि वो किसी तरह से सोशलाइज हो के कम्युनिटी में इंटर हो के एक दूसरे के रिलेशन को अच्छे बना सके, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स इंटर रिलेटेड होते हैं। देखिए ना, अब कोई अगर इंसान, कोई ब्राउन पीपल आके वो वाला ट्रूथ रीड करेगा जो के वाइट पीपल ने लिखा है किसी दूसरे ब्राउन मैन के बारे में, उसको बुरे तरीके से डिपिक्ट किया है, तो वो भी तो यही समझेगा ना कि वाइट मैन अच्छे हैं, वो हमारे फेवर में बात करते हैं, और ब्राउन मैन नहीं सही, ठीक है। तो इस तरह तो वो सोशलाइज नहीं होना चाहेगा। तो इस तरह ये सारे पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। नॉलेज इज इनोसेंट, वो कहती है नॉलेज इज नॉट इनोसेंट, नॉलेज इनोसेंट नहीं है, क्योंकि नॉलेज के थ्रू ही इंसान को सप्रेस किया जाता है। वो ये भी इससे रिलेट करती है, तीनों पॉइंट इंटर रिलेटेड है। यूरोसेंट्रिक, हर नॉलेज में यूरोप को, अमेरिकन ड्रीम, इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है, जैसे हम पढ़ते हैं रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट में। तो लर्निंग इज़ नॉट इनोसेंट, क्योंकि लर्निंग क्या है, हम लिखी हुई बुक्स को याद करते हैं या पढ़ते हैं। तो जो वर्क होता है किसी भी राइटर का, वो उसी के फ़ायदे के लिए, वो राइटर अपने फ़ायदे के लिए या अपनी कंट्री के फ़ायदे के लिए लिखता है, उसको अच्छे से प्रेजेंट करता है। तो जो हम सीखते हैं वो भी इनोसेंट नहीं होता, क्योंकि वो किसी और राइटर, किसी वाइट राइटर, राइटर ने अपने बेनिफिट के लिए लिखा होता है। जब हम उसको याद करते हैं तो हमारी जो लर्निंग होती है वो भी इनोसेंट नहीं रहती, वो इम्प्योर हो जाती है, ठीक है। तो नॉलेज इज नॉट इनोसेंट, जिसके थ्रू वो और ज़्यादा पावर गेन करते हैं। जैसे हमने पढ़ा है नॉलेज इज़ पावर या पावर इज़ नॉलेज, जिसके पास नॉलेज आ जाती है वो पावरफुल हो जाता है, जो पावरफुल हो जाता है वो नॉलेज को अपने अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। उसके बाद ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो इस चीज़ से रिलेट करते हैं, जिस बात पे वो क्रिटिसाइज़ करती है गाइल्स डेल्यूज़ और मिशेल फोको को, कि ये क्रिटिसाइज़ करते हैं वेस्ट को, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं देते किसके लिए, उनके लिए, मार्जिनलाइज्ड पीपल के लिए, सबाल्टर्न्स के लिए। तो वो अपने इस एसे में
एथिक्स पॉलिटिक्स एंड सर्टेन सर्टेन सीन्स ऑफ टीचिंग। ये मुझसे गलती हो गई है, ये कंप्लीट एक ऐसे या एक बुक का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सी भी कैपिटल आएगा और एस भी। जब तक हमारा बुक का नेम कंप्लीट नहीं होता, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, ठीक है। आपने ये मिस्टेक अपने एग्जाम्स में नहीं करनी। कैन द सबाल्टर्न स्पीक में भी एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं, मोर देन वन वर्ड, सो यू हैव टू राइट द ईच फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड कैपिटल, ठीक है। उसके बाद ये जो है एथिकल सिंगुलैरिटी और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि हमारे जो मैनर्स हैं वो सिंगुलैरिटी ऐसे होने चाहिए कि हर इंडिविजुअल, हर मार्जिनलाइज्ड की एक अपनी थॉट होती है। वी हैव टू रिस्पेक्ट देम, वी हैव टू गिव देयर राइट्स, ठीक है। हमें उन्हें उनके राइट्स देने चाहिए उनके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, उनके रिलीजन को, उनके कल्चर को, उनकी सोशलाइज लाइफ को प्रेजेंट करना चाहिए उनके वर्क्स में, ठीक है। और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि अब हमारे मैनर, हम एथिक्स मैनर्स, ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हमने, हमें पता चल गया कि उनका पर्सपेक्टिव, हर सिंगुलर, हर इंडिविजुअल का अपना पर्सपेक्टिव है, उनका लाइफस्टाइल अपना है, सो वी डोंट वांट टू सप्रेस देम, वी हैव टू गिव देयर राइट्स टू देम, ठीक है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम ऐसे अपने एक्शन को इस तरह कन्वर्ट कर लें जो पूरी सोसाइटी के फेवर में हो, ठीक है। और देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो आप इनके साथ ऐड कर सकते हैं, वो सोल्यूशन देती है इनका, ठीक है। तो ये सारे वो पॉइंट्स थे जो वो अपनी वर्क में डिस्कस करती है, और मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, बहुत शॉर्ट, ठीक है। तो होप सो इससे आपको एग्जाम में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और अब आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।